एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान पर बहुत भरोसा करता था। एक बार वह आदमी पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक उस गांव में बांध टूटने की वजह से बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी भर गया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी एक आदमी भगवान की तपस्या कर रहा है। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहा। उसने उस आदमी से कहा कि आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। भक्ति करने वाला आदमी बोला, अरे मुझे क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी उस आदमी की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो भक्ति करने वाले आदमी ने कहा कि नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि उसके सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर वाले ने उसके पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। भक्ति करने वाले आदमी ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और उस आदमी की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद वह भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन मैंने आपकी आराधना करने में लगा दिया, इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूब कर मौत हो गई, परंतु तुम नहीं आए, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान बोले, मूर्ख इंसान एक नहीं तीन तीन बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर नहीं पहचान पाए, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। धन्यवाद।